कोतवाली बिलारी पुलिस ने चेकिंग के दौरान अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी की 15 बाइक और कुछ बाइकों के पार्ट समेत 4 ऑटो लिफ्टर गिरफ्तार किए हैं। कोतवाली पुलिस ने शाहबाद रोड पर हरोड़ा तिराए पर चेकिंग के दौरान लाल रंग की स्विफ्ट कार को रोका, जिसमें एक बाइक रखी थी। कार चालक से पूछताछ करने के दौरान कड़ी दर कड़ी घटनाक्रम आगे बढ़ता गया। पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों से 15 मोटरसाइकिलें और कई कटी हुई मोटरसाइकिल के पुर्जे बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों में सलीम पुत्र वहीद निवासी मोहल्ला अमीर अली शाहबाद, भाग बेग पुत्र रईस बेग निवासी मित्रपुर थाना शाहबाद, मोहम्मद जुनेद पुत्र मोहम्मद नजर निवासी मोहल्ला कुरेशिया चंदोसी और गुलाम मोहम्मद पुत्र चांद मोहम्मद निवासी मोहल्ला तकिया शाहबाद रामपुर बताए हैं। आज पुलिस लाइन में घटना का खुलासा करते हुए SP देहात उदय शंकर सिंह ने बताया। सर, कितनी गाड़ियां प्राप्त हुई थी, क्या मामला है? थाना बिलारी पुलिस ने अंतर जनपदी गिरोह जो वाहन चोरी और नकबजनी बहुत प्रकार की घटनाएं कारित करता है, उसके 4 मेंबर्स को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पूछताछ कर इनके कब्जे से 14 मोटरसाइकिलें, एक स्कूटी और एक स्विफ्ट डिजायर कार जो विभिन्न प्रकार की चोरी घटनाओं से संबंधित है वो बरामद की गई है। इनके द्वारा जनपद संभल रामपुर बरेली में मुख्य रूप से अपराध कारित किए जाते हैं। मुरादाबाद जनपद के अलावा वर्ष 2014 से ये गैर सक्रिय है। कई बार ये जनपद बरेली व रामपुर से पूर्व में जेल भेजे जा चुके हैं। अपराध करने का इन्होंने एक नया तरीका अडॉप्ट किया, थोड़ा सा वाहन चोरी करने के बाद या नकबजनी की जब घटना करते हैं और इनके पास जो माल होता है पहले ले जाकर शाहबाद कस्बे के पास एक गन्ने के खेत हैं जहां पर सीरीज से कई हेक्टेयर गन्ने की खेती है, वहां बीच में इन्होंने गन्ने को काट कर एक स्थान बनाया हुआ है, वहां पर ये माल का डिस्पोजल 2-4 दिनों के लिए वहां पर रखते हैं सुरक्षित रूप से। उसके बाद ये ठिकानों का पता करके प्रभारी अध्यक्ष मुक्त चुराए गए मालों को बेचने का काम करते हैं। सर, कितने लोगों का गिरोह है, कितने कहां कहां और करते हैं? इस गिरोह में कुल लगभग 9 लोग शामिल हैं, जिसमें कबाड़ी भी है, वाहन चुराने वाले, नकबजनी करने वाले, ये सारे सम्मिलित हैं। समय समय पर इनकी संख्या विभिन्न अपराधों में परिवर्तित होती रहती है। इस गिरोह का जो सरगना है वो नदीम है, अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, फरार चल रहा है, गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।